जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष रुद्राक्ष, भगवान रुद्र यानी भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की आंखों से प्रकट हुए रुद्राक्ष के बारे में आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। उनकी जानकारी लेकर, उनसे मिलने वाले फायदों को लेकर कि आप लोग रुद्राक्ष से क्या फायदे उठा सकते हैं, रुद्राक्ष का क्या महत्व है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम द पावर ऑफ होली रुद्राक्ष बीड्स हैव बीन स्क्रिप्टेड इन वेरियस रिलीजियस टेक्स्ट लाइक शिव महापुराण, श्रीमद देवी भागवत, पद्म पुराण, लिंग पुराण एटसेट्रा। एज पर एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स मेंशन एवर रुद्राक्ष इवॉल्व फ्रॉम द आईज ऑफ लॉर्ड शिवा। ये हमारे शास्त्रों में विदित है, पद्म पुराण में, देवी भागवत पुराण में, शिव पुराण में रुद्राक्ष के बारे में चर्चा की गई है। उस चर्चा को हमारे महान संतों ऋषि मुनियों के माध्यम से उस पर विभिन्न प्रकार की रिसर्च करके, ध्यान साधना करके, उनका प्रयोग करके उन्होंने हम सभी के सम्मुख उपायों के रूप में, हमारे जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की परेशानियों के रूप में उनको पहचाना और उसके लिए हमें सजेशन दिए, जो बाद में जाकर हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित हुए हैं। हमारे देश में रुद्राक्ष को पूजा जाता है, हम इसे अपने सौभाग्य का सूचक मानते हैं, अच्छी हेल्थ का और प्रॉस्पर्टी यानी धन धान्य और ऐश्वर्य का सूचक मानते हैं, हमें इससे फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति होती है और बुरी नजरों से, बुरी शक्तियों से यह हमारी रक्षा करता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आप अंत तक आज का यह वीडियो अवश्य देखते रहिए। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगण, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आपको रुद्राक्ष के बारे में और विशेषकर नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में विशेष जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इस जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे महान संतों ऋषि मुनियों ने शिव महापुराण, पद्म महापुराण, देवी भागवत पुराण और लिंग पुराण के माध्यम से अपनी विभिन्न प्रकार के ध्यान साधना और खोजों के माध्यम से इन धर्म ग्रंथों में संकलित किया है। इन धर्म ग्रंथों में जाकर ये बाद में इकट्ठे किए गए हैं ताकि हम सभी लोग भगवान शिव के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से जन्म लेने वाले रुद्राक्ष की महिमा को समझ सकें, उस महिमा से अपने जीवन को सुधार सकें और अपनी सभी आने वाली परेशानियों को दूर कर सकें। रुद्राक्ष हमारी मेडिकल वैल्यू को भी प्रभावित करता है, हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने में मदद प्रदान करता है, ये हमें आध्यात्मिक जगत की ओर आकर्षित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी संत ऋषि मुनि साधु सन्यासी हैं वो रुद्राक्ष को अवश्य धारण करते हैं। रुद्राक्ष को पहनने वाला ही इसकी शक्ति के बारे में आप सभी को बेहतर तरीके से अनुभव करा सकता है। रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि रुद्राक्ष कैन बी वॉर्न बाई एनी पर्सन विदाउट द कंसीडरेशन ऑफ नेशन, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, विद फुल कॉन्फिडेंस टू गेट डिजायर्ड बेनिफिट इन 43 डेज। वन कैन वियर फर्स्ट टाइम रुद्राक्ष ऑन एनी मंडे महा शिवरात्रि पर्व, सन और मून एक्लिप्स एंड संक्रांति डेज, अमावस्या और पूर्णिमा डेज। यानी कि रुद्राक्ष को कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, किसी भी सेक्स को बिलोंग करता हो, मेल हो, फीमेल हो, बालक हो, वो व्यक्ति
रुद्राक्ष को धारण करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। जब भी रुद्राक्ष पहली बार पहना जाता है तो वो या तो सोमवार के दिन महाशिवरात्रि के दौरान या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय या संक्रांति के डेज में या पूर्णिमा या अमावस्या के दिन में पहना जा सकता है। रुद्राक्ष में 108 दानों की जो माला होती है वह बल और आरोग्यता प्रदान करने वाली होती है, समस्त कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, जबकि 32 रुद्राक्ष की दानों वाली माला हमें धन प्रदान करने वाली होती है, जबकि 14 रुद्राक्ष के दानों वाली माला को आधी और 27 दानों वाली माला को सुमरणी कहते हैं। फल लगभग सभी का छोटा बड़ा एक जैसा ही आता है। 54 रुद्राक्ष के दाने वाली माला को 2 बार और 27 दाने वाली माला को 4 बार पूरा कर लेने से एक माला यानी 108 की संख्या में जाप संपूर्ण हो जाता है। 308 रुद्राक्षों की लड़ी बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण किया जाता है। शिखा में चोटी में 1 रुद्राक्ष, कानों में 6-6 रुद्राक्ष, गले में 100 या 50 रुद्राक्ष, बाहों में 11 रुद्राक्ष, मणिबंध में 11 रुद्राक्ष और कमर में कमरबंध के रूप में 5 रुद्राक्ष धारण करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रुद्राक्ष के अंदर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसके लिए अगर आप दिल को छूती हुई रुद्राक्ष की माला को गले में धारण करेंगे तो यह रोगी के शरीर की जो गर्मी होती है उसे खींचने में समर्थ होती है और आपके ब्लड प्रेशर को उस गर्मी को बाहर निकालकर नॉर्मल कर देती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों के लिए रुद्राक्ष की माला गले में धारण करना, जो कि उनकी छाती को छूती रहे, एक वरदान के समान होता है। और जो लोग रुद्राक्ष को धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, वो भगवान शिव के बहुत समीप हो जाते हैं, बहुत निकट हो जाते हैं। भगवान शिव ऐसे सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। आइए चर्चा करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 9 मुखी रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष के अंदर 9 धारियां होती हैं गोलाई में, ऐसा रुद्राक्ष जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है 9 मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। इस रुद्राक्ष के देवताओं जो कहे गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार वो भैरवनाथ है और यमराज जी हैं। यानी कि जो व्यक्ति 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो व्यक्ति यमराज के भय से मुक्त हो जाते हैं। भैरव बाबा की कृपा अद्भुत रूप से उनके ऊपर बनी रहती है। इस रुद्राक्ष को बाएं हाथ में भुजाओं में धारण करने से आपके बल में वृद्धि होती है और जो व्यक्ति भ्रूण हत्या के, गर्भ हत्या के पाप से पीड़ित हैं, उन पापों को भी ये 9 मुखी रुद्राक्ष नाश करता है। ऐसे पापों का भी नाश करके आपको पाप मुक्त करने में समर्थ होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष केतु से रिलेटेड बताया गया है, केतु ग्रह से रिलेटेड बताया गया है, इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह नीच के होकर, पापी होकर, खराब होकर, पीड़ित होकर दुश्मन के घर में बैठे हुए हैं, या केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप बिना किसी झिझक के 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। मगर खरीदने से पहले पहले एक योग्य ब्राह्मण कलाश लें जिसने इस 9 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र के बारे में जानकारी हो, जिसने इस 9 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र को जागृत कर रखा हो, उसकी साधना कर रखी हो, उस मंत्र को सिद्ध कर रखा हो, केवल वही व्यक्ति 9 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है। तो पहले ऐसे
ब्राह्मण को ढूंढ लें, उसके पश्चात ही नौ मुखी रुद्राक्ष खरीदें। हमारा सजेशन तो आपके लिए यही होगा। तो नौ मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आप बहुत सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, केतु महाराज की कृपा के पात्र बन सकते हैं, खेलों में आप बहुत नाम कमा सकते हैं, अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, शेयर मार्केट में भी आपको फायदा हो सकता है, सट्टेबाजी में जो लोग रेस कोर्स इत्यादि की सट्टेबाजी करते हैं, रेस कोर्स वगैरह में पैसा लगाते हैं, लॉटरी में पैसा लगाते हैं, ऐसे लोगों को भी अचानक से लाभ दिलवाने में ये नौमुखी रुद्राक्ष समर्थ है। आपको विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों के भय से मुक्त करता है। जिन व्यक्तियों को बार बार ऑपरेशन होते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इस नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो उनकी ऑपरेशन होने की संभावना खत्म हो जाएगी, मगर उसके लिए इस रुद्राक्ष का मंत्र सिद्ध होना परम आवश्यक है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढकर ही आप रुद्राक्ष को खरीदने की तरफ आगे बढ़े जो इस रुद्राक्ष को मंत्र सिद्ध करने में समर्थ हो, जिसे इस मंत्र का ज्ञान हो कि किस मंत्र से ये नौमुखी रुद्राक्ष सिद्ध होगा। मगर दुर्भाग्यवश मैं स्वयं भी रुद्राक्ष को मंत्र सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए इस विषय में मैं आपकी कभी भी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष के संदर्भ की बात कर रहा हूं कि मैंने रुद्राक्ष के मंत्रों को, जो रुद्राक्ष को सिद्ध करने के मंत्र हैं, उनको कभी सिद्ध नहीं किया है। तो आप मेरी ओर इस उम्मीद से कभी ना देखें कि मैं आपको रुद्राक्ष प्रदान कर सकता हूं या उनको मंत्र सिद्ध या जागृत कर सकता हूं, क्योंकि जो कार्य मैंने किया ही नहीं है उस कार्य को करने के बारे में गलत बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, और इसीलिए मैं कभी भी किसी व्यक्ति को रुद्राक्ष नहीं देता हूं, किसी भी व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनने की सलाह भी इसीलिए नहीं दे पाता हूं क्योंकि मैंने ही जब मंत्रों को सिद्ध नहीं किया है रुद्राक्ष के को, क्योंकि हर रुद्राक्ष को सिद्ध करने का एक अलग मंत्र है। मैं आने वाले समय में उस मंत्र के बारे में भी आपको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि जो लोग स्वयं उस मंत्र को सिद्ध करके रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं, वो उस मंत्र को जागृत करके उस मंत्र से अपने जिस रुद्राक्ष को पहनना चाहते हैं उसको प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करके धारण कर सकें। नमस्ते, मैं डिंपल, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा पंजाब से। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं बहुत दुखी थी, स्पेशली इस चीज़ के लिए कि मेरे हस्बैंड के घर में कोई धन की बरकत नहीं थी, उनका अपना मकान नहीं था, वो बहुत अपसेट रहते थे। तो एक दिन मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पर गुरुजी की, और मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली, उनसे बात की। मैं जब पहले किसी से भी बात करने की कोशिश करती थी तो किसी पर भी यकीन नहीं होता था। जब मैंने गुरुजी से बात की, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की, उन्होंने हमें पूजा करने के लिए बोला, उन्होंने जो जो भी हमें उपाय बताए, श्री गुरु रजनीश ऋषि जी ने हमें रिंग्स दी, और आज उनके बताए हुए उपाय करने से, उनकी रिंग्स देने से मैं इतनी खुश हूँ कि आप मेरी आवाज़ से पहचान ही सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने वो उपाय किए, आज मेरे पति का मकान, उनका घर बनने जा रहा है, हमें वो खुशी मिलने जा रही है जिसके लिए हम बेसब्री थे, जो हम सोच रहे थे कि कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास बरकत बिल्कुल भी नहीं थी। गुरु रजनीश ऋषि जी, आपको बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन आपने मुझे रिंग दी, मैं उस दिन खुशी के मारे इतनी उछली थी कि मैं खुशी से पागल हो गई थी, उछल कूद के कि हाँ, आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे कभी किसी पर भी इतना विश्वास नहीं हुआ। जब मैं उनसे बात करती हूँ, श्री गुरु रजनीश ऋषि जी से बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ खड़े हैं और बोल रहे हैं, तू चल, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी गलत होगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और आपसे यही बोलना चाहती हूँ, अगर किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो बिना चीज के गुरु रजनीश ऋषि और गुरु मां रुक्मणी जी से संपर्क करें।
उनसे बात करें, अपॉइंटमेंट ले और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें बिना सोचे समझे। उनसे बात करके ही आपको मेरी तरह ऐसा ही लगेगा कि भगवान आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच गुरु रजनीश ऋषि जी, मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ रुक्मणी जी, गुरु रजनीश ऋषि जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आज मेरे पति घर मकान बनाने जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम सचिन, मैं हरियाणा से। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे घर बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर एक दिन मैंने आप गुरु रजनीश ऋषि जी की वीडियो देखी सोशल साइट पर। फिर मैंने गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद गुरुजी ने मुझे पूजा करने की सही विधि और तरीका बताया, जिसके कारण आज मेरा घर बनने लग गया है। और मेरी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए गुरुजी ने मुझे रिंग्स डालने को बोला। रिंग्स डालने के बाद मेरी सारी पर्सनल प्रॉब्लम दूर हो गई है, जिससे कि मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू गुरु रजनीश ऋषि जी, थैंक यू गुरु माँ रुक्मणी देवी जी। यदि आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो गुरुजी से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान हो रहे हैं, चाहे वो परेशानी धन से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, शादी ना हो पाने से संबंधित हो, शादी के बाद झगड़े होने से संबंधित हो, संतान ना होने से संबंधित हो, धन धान्य की कमी से संबंधित हो, व्यापार में नुकसान की कमी से संबंधित हो, लोन और कर्जों से संबंधित हो, कोर्ट कचहरी की समस्याओं से संबंधित हो, उन सभी परेशानियों के लिए आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और हमारे महान संतों ऋषि मुनियों के द्वारा जो उपाय बताए गए थे उनके बारे में अपनी जन्म कुंडली के अनुसार मेरी राय लेकर लाभ उठा सकते हैं। मैं 133 देशों के लोगों की, जो देशी विदेशी सभी तरह के लोग हैं, बड़े बड़े धर्मों के विद्वान ज्ञानी हैं, उन लोगों को समय समय पर इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के महान ज्ञान के द्वारा मदद पहुंचाता रहा हूं। अब आपकी बारी है। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं तो बिना किसी झिझक के अभी मुझे वीडियो कॉल करें और घर बैठे ही अपनी समस्याओं के लिए उपाय जानकर लाभान्वित हो। जय शनिदेव।